नमस्कार, मैं सनी देओल सावधान इंडिया के स्पेशल एपिसोड के दूसरे भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। कल हमने देखा बलबीर कौर के घर में जो घटनाएं हुई उससे नवजोत अलर्ट हो गई। बलबीर कौर अच्छी तरह से जानती थी कि अमृत बहुत अच्छी स्विमर थी, लेकिन उसने पुलिस को ये नहीं बताया। यहां तक कि नवजोत को भी पुलिस के सामने ये सच बोलने से रोक दिया। बलबीर कौर ने ऐसा क्यों किया? चाहती क्या है तू? हाँ? क्या साबित करना चाहती है? आखिर क्या फर्क पड़ता है कि परजाई को तैरना आता था या नहीं? तेरे सामने डॉक्टर ने कहा था ना कि परजाई की मौत डूबने से हुई। डॉक्टर की बात मैंने भी सुनी थी, प्राइम ऑफ एसी मतलब पहली नजर में, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ आप झूठ बोल रहे हैं। वीर जी झूठ बोल रहे हैं, सबके सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं इस बात की तह तक जाऊंगी। पुलिस को बताना ही होगा मुझे, परजाई डूब के कैसे मर सकती है? परजाई को तो तैरना आता था। मैं बताऊंगी पुलिस को। होश में आने की, ये क्या करने जा रही है? चिट्ठू मंदू जाने दो। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? तू फजूल की जिद पकड़ी हुई है, क्यों हम सबके लिए मुश्किलें बढ़ा रही है? क्यों? कैसा महसूस कर रही हो? तुम्हें काफी आराम की जरूरत है। सीरियस स्ट्रेस से गुजरी हो, जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई थी। हमने आपके कुछ टेस्ट करवाए थे और हमें एक बात का पता चला है। क्या पता चला है डॉक्टर साहब? घबराने की जरूरत नहीं है, आपके लिए खुशखबरी है, ये माँ बनने वाली है। वाहेगुरु की मेहर हुई है पुत्र, बाबा जी ने तुझे और हमारे परिवार को एक दूसरा मौका दिया है। देख पुत्र, अब तू कोई लापरवाही मत बरतना, जो हुआ उसे भूल जा, अब बाबा जी सब ठीक करेंगे। मनिंदर जी, बीजी तू इसका ख्याल रख। परमिंदर तू मेरे साथ चल। जी। माता जी, कैसी तबीयत है छोटी बहू की? जी अब तो काफी बेहतर है, चिंता की घड़ी खुशी में बदल गई, अपनी नवजोत माँ बनने वाली है। पापा जी की कृपा हुई तुम पर बलबीर, अमृत को लौटा दिया नवजोत के जरिए। बस जी आप सबकी दुआओं का असर है। हॉस्पिटल से छूटकर घर पहुंचते ही नवजोत को बंदी बना दिया गया, उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। लिहाजा लगातार स्ट्रेस की वजह से नवजोत डिप्रेशन में चली गई थी। उसकी प्रेगनेंसी का सातवां महीना चल रहा था और इस हालत में स्ट्रेस खतरनाक साबित हो सकता था। बस माता जी, मैं कनाडा रहने गई थी अपनी बेटी के पास। बड़ी चंगी जगह है जी वहाँ, सब कुछ मिलता है, अपने भी और अपने पन की भी वहाँ पे कमी नहीं है। बस अपने गांव की मिट्टी नहीं है वहाँ पे। देखिए ना, 7-8 महीने ही रहने गई थी वहाँ पे और मुझे ऐसे लगता है 2 साल हो गए पिंड को छोड़े हुए। अरे हाँ, मेरी निक्की कैसी है? बड़े दिन हो गए इसको देखे हुए मुझे। निक्की
क्या हुआ पुत्र, तू ठीक तो है ना? ठीक तो हुआ बीजी, आपके लिए पंचायत से फोन आया। तुम लोग बैठो, बातें करो, मैं अभी आती हूँ। बुआ मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। क्या, क्यों, कैसे, कुछ मत पूछना। बस बुआ, इस कैद से आजाद कर दो मुझे। क्या हुआ निकी, ये सब क्या कह रही है तू? बुआ कैद करके रखा है मुझे। चाय आ रही है, बैठो बीजी। बैठो, आराम करो। क्या खुसर खुसर चल रही है बुआ भतीजी में? कुछ खुसर खुसर नहीं माता जी, हाले तक तो मैं जी भर के देखा भी नहीं निकी को। तू आ गया, चल अब मैं चलता हूँ। ठीक है फिर, ध्यान से जाना, ठंड बहुत है। अच्छा, फिक्र ना कर। ठीक है। इस कैद से आजाद कर दो मुझे। क्या हुआ निकी, ये सब क्या कह रही है तू? हुआ कैद करके रखा है मुझे, 24 घंटे पहरा लगा के रख दे। बुआ मुझे बस इस घर से भागना, तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है निकी, मैं मंदिर के पास तेरा इंतजार करूंगी गाड़ी लेकर। ठीक 10:15 बजे पहुंच जाना वहां पर। थैंक यू बुआ, थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा कि तुम क्या हुआ? मुझे माफ कर देने की, मुझे इसी गांव में रहना और इस गांव में रह के मैं माता जी से बहन नहीं ले सकती, इसलिए मजबूर होकर मुझे इन्हें सब बताना पड़ा। हुआ चल, जाके गाड़ी में बैठ जा।
कब भक्कड़ ठिकाने आएगी तेरी निकी? अरे कब समझेगी तू? ये ऐसे नहीं समझेगी मनिंदर, इसके मन में उठ रहे सवाल इसे बेचैन कर रहे हैं। जब तक उन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते ना इसे, ये नहीं समझेगी। बहुत रोता है ना तेरा दिल अमृत के लिए, तो अमृत को तो उसके किए की सजा मिली है। उसने इस खानदान पर कीचड़ उछाला था, घर से भागकर, इस घर को एक औलाद भी ना देकर। घर का मान सबसे परम होता है, सबसे बड़ा, और जो घर के मान पर ठेस पहुंचाएगा ना, उसे तो रास्ते से हटाना ही होगा। तेरा पहला बच्चा भी उसी की बलि चढ़ा था। उसे क्या देख रही है? मुझसे पूछ, घर की छोटी बहू होकर तू पहले माँ कैसे बन सकती थी? अगर ऐसा होता तो लोग अमृत और परमिंदर के बारे में क्या क्या बातें करते? कितनी शर्मनाक बात होती हमारे खानदान के लिए। इसीलिए याद है वो रात जब मैंने अपने हाथों से दूध दिया था तुझे पीने के लिए? दूध पी, पूरा पी लेना। उस दूध में जहरीली बूटी मिली हुई थी। अमृत को तो मैंने एक और मौका दिया था। वो तो उधर भी मात खा गई। अब मैं क्या करती? कब तक अपनी छोटी बहू को मां बनने से कब तक रोकती मैं? आज मैंने तेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं तुझे। तेरे सारे शक दूर कर दिए हैं मैंने। देखने की अब तू फिर से मां बनने वाली है और मैं एक पोता खो चुकी हूँ। अभी दूसरा पोता नहीं खोना चाहती मैं। नहीं, भी नहीं, नहीं।, नहीं खोना चाहती मैं अपना दूसरा पोता, समझी? तो बिल्कुल ठीक कह रही थी, अमृत बहुत अच्छी स्विमर थी, बहुत अच्छी। नवजोत के कोख में पल रहे बच्चे को मार दिया गया ताकि वो बड़ी बहू से पहले मां न बने। इस खुलासे के सदमे से नवजोत का वाटर सैक बस्ट हो गया और सातवें महीने में नवजोत ने एक बहुत ही कमजोर बच्ची को जन्म दिया। बच्ची की हालत काफी नाजुक है, उसे कुछ दिन और अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। वैसे माँ की हालत भी कुछ ठीक नहीं, इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि ये काफी तनाव की शिकार रही होंगी। अब क्या बताएं डॉक्टर साहब, चिंताएं तो पाल रखी हैं इसने अपने मन में। सुना तुमने डॉक्टर साहब ने क्या कहा? अब तो चिंता छोड़कर अपनी सेहत का ख्याल रख, अपना नहीं तो कम से कम उस नन्ही सी जान के बारे में तो सोच। जी, अब तो पहले से काफी बेहतर है। आप भी आ जाते तो निक्की को अच्छा लगता। लीजिए, निक्की से बात कीजिए। तुम्हारे पिताजी का फोन है अफ्रीका से, बात करो। पापा, पापा प्लीज यहाँ आ जाओ, आपको कुछ बता रहे हैं। पापा प्लीज आ जाओ, नेटवर्क नहीं है पापा, पापा कुछ सुनाई नहीं दे रहा। Love you too, love you too पापा।
वेरी गुड, काफी सुधार हो गया है। अब ये दवाइयाँ बंद कर दीजिए, पहले जो मेडिसिन ले रही थी उन्हीं को कंटिन्यू कीजिएगा। देखिएगा 2 हफ्ते में पूरा फिट हो जाएंगी आप, और बच्ची भी, बच्ची में भी काफी सुधार आ गया है। और हाँ मनेंद्र जी, आप जरा मेरे साथ आएंगे, हॉस्पिटल की कुछ फॉर्मेलिटी है उन्हें पूरी करनी है। जी, आई। नर्स, मेरा काम करेंगे प्लीज, किसी तरह ये लेटर पुलिस स्टेशन पहुंचा दीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। ओके, थैंक यू। बलबीर कौर की सच्चाई सामने लाने का रास्ता नवजोत ने निकाल लिया था, पर क्या पुलिस तक वो चिट्ठी पहुंच पाएगी, और क्या पुलिस उस पर कोई कदम उठाएगी? नवजोत पूरी शिद्दत से अमृत और अपने बच्चे के कातिलों को सजा दिलाना चाहती थी, और एक दिन ऐसा लगा जैसे ऊपर वाले ने इसकी सुनी। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। आज तो तूने हद ही पार कर दी, वही हद जो कभी अमृत ने पार की थी। जानती है ना तू क्या कीमत चुकाई थी उसने अपनी गलती की? नवजोत से उसका इकलौता सहारा उसकी बच्ची उसे अलग कर दी गई। नवजोत के सामने के सारे रास्ते खत्म हो चुके थे, मगर उसका जज्बा नहीं। आजारी नींदिया आजा, आके मेरी पोती को सुला जा। चिड़ी चिड़ी शोर ना मचाना, जाके किसी पानी में डूब मर जाना। नींदिया आजा आजा, आके मेरी पोती को सुला जा। आजा री आजा। उसे हर मोड़ पर बलबीर कौर से माथे मिलते। बलबीर कौर के साथ सब मिले हुए थे, गांव वाले, पुलिस वाले, सारा सिस्टम।
नवजोत के साथ कोई भी नहीं था, ना उसका पति, ना उसके रिश्तेदार। अब आप सोचिए, इस हालत में नवजोत अगर मदद मांगनी भी चाहे तो किससे? ओलो लोलो, क्या हुआ मेरी गुड्डू रानी, क्यों रो रही है? अच्छा अच्छा, पापा ने गाना नहीं सुनाया इसलिए। चलो चलो, पापा गाना सुनाएंगे। रात कली एक ख्वाब में आई और पापा की शर्ट गीली कर गई। बच्चे अभी पापा डायपर चेंज कर देंगे। ये गलत कर रहे हो आप। क्या क्या गलत किया मैंने? यही जो इसके साथ इतना लगाव बढ़ा रहे हो। कैसी बातें कर रही है निकी? अरे बच्ची है मेरी, लगाव तो होगा ना। आपकी बेटी, कभी सोचा है आपने, जब आपकी बेटी बड्डी होगी, इसका ब्याह होगा, अपने सौरे कर जाएगी, रब ना करे अगर इसे भी ऐसा ही सौरा कर ले, जहां इसके परिवार वाले इसे बंदी बना के रखेंगे। क्या हुआ मनिंदर सिंह, सुनने भर से ये हाल हो गया? ये सोचो, जब मेरी बातें हकीकत में हैं और तुम्हारी बेटी के साथ भी यही सब होगा, तब क्या करोगे? क्या करोगे तुम? इधर देखो, मैं बताती हूँ, तुम तब भी कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। इसीलिए कहती हूँ, बच्ची के साथ इतना लगाव मत पड़ा, आगे जाके तकलीफ होगी। जब आपकी यही बेटी वड्डी हो जाएगी, इसका ब्याह होगा, अगर इसे भी ऐसा ही सौरा कर लेना, जहां इसके परिवार वाले इसे बंदी बना के रखेंगे। कोई नहीं जानता था कि मनिंदर आखिर गया तो गया कहाँ। आखिरकार जब बलबीर कौर को मनिंदर का लिखा खत मिला, तब कहीं उसके गायब होने के रहस्य से पर्दा उठा। खत पढ़कर बलबीर कौर के पैरों तले जमीन खिसक गई। मनिंदर का वो खत एक सुसाइड नोट था, जिसमें लिखा था कि उसे मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी खत्म कर रहा है। जाहिर है, यह खत पढ़कर बलबीर कौर की आंखों में खून सवार हो गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई में मनिंदर ने खुदकुशी की थी? अरे पिछले कई दिनों से देख रही थी, तेरी वजह से परेशान होकर घूमता रहता था मनिंदर। कान खोल कर सुन ले, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना, तो तेरी वो दुर्गत करूंगी कि तुझे अपने पैदा होने पर अफसोस होगा। दुआ कर लड़की, दुआ कर कि मनिंदर सही सलामत हो। बीजी, बाहर से कोई आदमी आया, आपको कुछ कहना चाहता है। कौन? बीजी, बीजी, मैंने अभी मनिंदर को देखा। क्या? कहाँ देखा? कहाँ है वो? जब मैं खेतों से लौट रहा था तब देखा। ओ मनिंदर पाजी, वहां क्या कर रहे हैं? नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। मनिंदर की लाश तो नहीं मिली, पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर नवजोत को अरेस्ट कर लिया। अरे छोड़ो मुझे, क्या किया मैंने कुछ नहीं किया। बीजी, बीजी। निकी, हुआ निकी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं मजबूर थी, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई निकी। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं हुआ, बस अपनी बच्ची की चिंता।
कैसी है वो? ठीक तो है ना? वो ठीक ही होगी, लेकिन मुझे तो माताजी ने घर के अंदर ही नहीं घुसने दिया। वो बहुत गुस्से में थी। तो एक रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे, मैं मेरे बच्चे के बिना मर जाऊंगी। मुझे किसी भी तरह यहाँ से रिहा करा दे, मेरा हाथ जोड़ती हूँ। मेरे दोनों हाथ बंधे हुए हैं निकी, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जब मैंने तेरा रिश्ता इस घर में किया था। तो मैं रब से दुआ करती हूँ कि वो सब ठीक कर दे। योर ऑनर, आज आपके सामने एक ऐसी औरत खड़ी है जिसने कि अपने पति को इतना परेशान किया, इसने उसे इतना हरास किया कि उसे अपनी जान देने पर मजबूर कर दिया। जसाब, ये नवजोत विदेश में बड़ी और बड़ी हुई है। इतने साल विदेश में रहने के बाद गांव की जमीन पर पैर रखना ये सबके बस की बात नहीं है, लेकिन इनकी आंखों में पावर और पैसे का लालच इस तरह घर कर गया कि ये वो सब नजरअंदाज करके बलबीर कौर की घर की बहू बनने के लिए तैयार हो गई। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, अभी प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा कि मेरे मुवक्किल विदेश में पली बड़ी। मैं अदालत को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे मुवक्किल के पिता साउथ अफ्रीका के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। वो चाहते तो मेरे मुवक्किल की शादी किसी भी बड़े शहर के बड़े घराने में हो सकती थी, लिहाजा पैसे की लालच का तो सवाल ही नहीं उठता। योर ऑनर, मैंने पैसों के साथ साथ पावर की भी बात की। बलबीर कौर का रुतबा अपने गांव ही नहीं पूरे जिले में था। बहरहाल शादी के कुछ दिनों बाद ही मुलजिम को महसूस होने लगा कि वो गाँव की जिंदगी नहीं जी सकती, तो उसने अपने पति पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि ये जायदाद से हिस्सा ले और घर छोड़कर शहर में बस जाए। ये झूठ है जस्सा, ये झूठ है। जब मनिंदर नहीं माना तो मुलजिम ने अपनी जातियां इतनी बढ़ा दी कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आज आपकी अदालत में एक माँ को इंसाफ मिलेगा और उसके बच्चे की आत्मा को शांति मिलेगी। माय लॉर्ड, मुझे लगता है अदालत का फैसला सिर्फ बातों पर निर्भर नहीं होता। मनिंदर ने अगर सुसाइड की थी तो उनकी लाश अभी तक बरामद क्यों नहीं हुई? जस्ता, लाश तो एक ना एक दिन मिली जाएगी। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन मेरे पास गवाह है। ओ मनिंदर बाजी, वहाँ क्या कर रहे हैं? भागो भागो। ओ मनिंदर बाजी, यहाँ क्या कर रहे हो? नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता था जज साहब, मगर इसकी वजह से, इस औरत की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। इसने उसे इतना परेशान किया कि उसने अपनी जान ही दे दी। महेंद्र मेरा छोटा बेटा था, लेकिन घर से बाहर जाने से पहले मैंने देखा था कि वो कई दिनों से इसकी वजह से परेशान होकर घूम रहा था। जज साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। योर ऑनर, गवाहों के बयान से यह साबित हो जाता है ये सुसाइड केस नहीं, हत्या है, हत्या। इसलिए जज साहब, मैं चाहता हूं कि मुलजिम को सख्त सख्त सजा दी जाए। अदालत को भी ये लगता है कि मुलजिम नवजोत कौर के लगातार मानसिक शोषण की वजह से मनिंदर ने आत्महत्या की है, लिहाजा ये अदालत मुलजिम नवजोत कौर को एक मिनट माय लॉर्ड। Thank you.
योर ऑनर, मैं मनिंदर सिंह, जिसकी मौत का केस यहाँ लड़ा जा रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो कहना है आप यहाँ आकर कहिए। योर ऑनर, सबसे पहले तो मैं इस अदालत से इस नाटक के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। दरअसल इस केस में मुजरिम कोई और है, मक्तूल कोई और है। मुजरिमों को सामने लाने के लिए मेरे पास इस नाटक के अलावा और कोई चारा नहीं था। साफ साफ बताइए आप कहना क्या चाहते हैं। योर ऑनर, दरअसल हत्या मेरी नहीं, मेरी बड़ी परजाई और मेरे होने वाले बच्चे की हुई है। मैं गवाह हूं इस बात का, लेकिन सारी कहानी बताने से पहले मैं उन हत्यारों के नाम इस अदालत को बताना चाहता हूं। वो मेरी बीजी बलबीर कौर और मेरे बड़े भाई परमिंदर सिंह। खोतिया, क्या बकवास कर रहा है तू? दिमाग तो ठीक है तेरा? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मेरी परजाई और मेरे होने वाले बच्चे की हत्या हमारे खानदान की इज्जत और सम्मान के नाम पर की गई। बड़ी परजाई की इसलिए क्योंकि वो मां बनकर इस परिवार को एक औलाद ना दे सके, और मेरे होने वाले बच्चे की इसलिए क्योंकि वो इस घर की छोटी बहू की कोख से पैदा होकर हमारे खानदान के नाम पर बेइज्जती का दाग लगा रहा है। और ऑनर, पूरी जिंदगी मैं अपनी बीजी और अपने बड़े भाई की गुलामी करता रहा, यहां तक कि अपने सामने दो हत्याएं भी होती हुई देखी। पर जब मेरी पत्नी नवजोत ने मेरे जमीर को जगाया, जब मेरी बातें हकीकत में होंगी और तुम्हारे बेटे के साथ भी यही सब होगा, तब क्या करोगे? इधर देखो, तुम तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। अब मैंने तय कर लिया, इनके जुल्म और नहीं चलने दूंगा। हमारे पास इन दोनों को सामने लाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। ये सारे लोग, ये पुलिस, यहां तक कि पूरा सिस्टम मेरी माँ की गुलामी करता। इनको कोर्ट तक ले आना करीब करीब मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन के बराबर था। इसीलिए मैंने तय किया कि मैं ये नाटक करूंगा। मैं जानता था मेरी मौत की खबर सुनकर बीजी नवजोत को कोर्ट तक जरूर घसीटेगी। इसी बात का फायदा उठाकर मैंने सारा नाटक रचा, और यही एक तरीका था मेरे पास इन लोगों को अदालत के सामने लेकर आने का, इन दोनों के गुनाहों को आप सबके सामने लेकर आने का। मैं इसके आगे और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मनिंदर सिंह के इस बयान के बाद इस मुकदमे का रुख ही बदल गया। ये अदालत नवजोत कौर को बाइज्जत बरी करती है, और ये अदालत पुलिस को हुक्म देती है तो वो तुरंत बलबीर कौर और परमिंदर को अपनी हिरासत में ले ले। बलबीर कौर और परमिंदर सिंह दोनों को आईपीसी के कई धाराओं के अंतर्गत सजा सुनाई जाती है। धारा 302 के अंतर्गत अमृत कौर की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा, धारा 312 नवजोत कौर के कोख में पल रहे बच्चे को मारने के लिए भ्रूण हत्या के जुर्म में 3 साल की सजा, साथ ही साथ धारा 498A नवजोत कौर के साथ ज्यादती और घरेलू हिंसा यानी मानसिक और शारीरिक तौर पर परेशान करने के जुर्म में 3 साल की सजा, और मनिंदर सिंह को अमृत की हत्या के कीमती सबूत छुपाने के जुर्म में धारा 201 के अंतर्गत 3 साल की सजा सुनाई जाती है, और इन्हें जुर्माना भी भरना पड़ेगा। द कोर्ट इज एडजर्न। देखिए, कभी सपने में भी नहीं सोचा था मेरी बेटी मुझे एक सजा याफ्ता मुजरिम के रूप में जानेगी। नहीं जी, आपकी बेटी आपको मुजरिम के रूप में नहीं, अपने पापा को एक हीरो के रूप में जानेगी, जो सच्चाई और इंसाफ के लिए अपने खून के रिश्तों तक से लड़ गया।
बलबीर कौर ने अपनी झूठी शान के लिए अपने ही परिवार को बर्बाद कर दिया। हम बार बार दोहराते हैं कि जुल्म सहने से जुल्म का सिलसिला खत्म नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। बलबीर कौर की बड़ी बहू अमृत लगातार जुल्म सह रही थी, उसका नतीजा उसने भी झेला और नवजोत ने भी। इसलिए जुल्म के खिलाफ वक्त पर आवाज उठाना बेहद जरूरी है, हिम्मत के साथ उसका मुकाबला करना भी बहुत जरूरी है, जैसे नवजोत ने किया। याद रखिए, अपराध अपराधी से नहीं बल्कि हमारी और आपकी खामोशी से बढ़ता है, इसलिए अपनी खामोशी तोड़िए। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सब से इजाजत लेता हूं, तब तक के लिए आप सब सावधान रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया fights back.